करते हैं वास्तव में खड़े हैं हम सबसे अलग हैं, परंतु हम अपनी पहचान अलग से बनाए रखना नहीं चाहते, हम सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और इसलिए यह वसुंधरा परिवार, इसको हमने इसे एक परिवार के रूप में सारे विश्व को माना है। भारत के मनीषियों ने अलग अलग शब्दों में कहीं भी कहा होगा कि हम सारे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, प्रणवंतो विश्व आर्यम का नारा दिया था। वास्तव में वो नारा नहीं था, वो मनोभाव था, उसको व्यक्त किया था इन शब्दों में। तो जिस प्रकार के धर्मांतरण मतांतरण की बात आती है, उस प्रकार की क्षुद्र भावना उस गुणवंत विश्ववार्यम के भाव में नहीं है। ये विश्व को हमको समझाने की आवश्यकता है। हम अपने व्यवहार से, अपने चिंतन से सारे विश्व को प्रभावित करना चाहते हैं, हम विश्व को गुलाम बनाना नहीं चाहते। हम सारे अपने विचारों के साथ सारे विश्व को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम कभी अपने गीत में कहते हैं, बहुत बार हमने सुना है, हिंदू जगे तो विश्व जगे। अब ये हिंदू जगने में विश्व के जगने का क्या संबंध है? तो अगर सारे विश्व को सुख शांति के मार्ग पर, मानवता के मार्ग पर, सब प्रकार के संघर्षों को समाप्त करते हुए समन्वय के मार्ग पर लेकर चलना है, तो वो चिंतन, वो सिद्धांत, वो विचार, वो व्यवहार केवल भारत और केवल हिंदू समाज ही दे सकता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें गर्व है, हम हिंदू है, तो वो इस बात का है। हम अहंकार से शब्द का प्रयोग नहीं करते, पर स्वाभिमान से जरूर करते हैं कि हम हिंदू है। लेकिन गीत के पहले शब्द में कहा गया हिंदू जगे, तो एक कंडीशन डाल दी गई कि विश्व कब जगेगा, जब हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा। और इसलिए इस देश में और देश के बाहर जो हिंदू जगाने का काम प्रारंभ हुआ, उस जगाने के काम के साथ हम सब लोगों का संबंध आया है। ये हम सबका भाग्य है कि हम इस कार्य के साथ जुड़े। हम जगना, हमारा जगना प्रारंभ हुआ है और इसके द्वारा ही विश्व भी जागृत होकर रहेगा, ये हमारा विश्वास। आज मानव जीवन कई प्रकार के गुलामियों से, कई प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है। जब इस विश्व में हिंदू जगेगा और विश्व भी जागृत रहेगा, तो उसी में मानव जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी है। हिंदू जगना यानी मानव जगना है, विश्व जागृत होना यानी यहाँ की मनुष्यता जागृत होना है। हम सब जानते हैं कि केवल भारत ने ही नहीं, तो सारे विश्व ने एक तरह से देवासुर संग्राम देखा है, अनुभव किया है। जब दैवी शक्तियां हैं तो असुरी शक्तियां भी विद्यमान रहती है। अगर सत्य खड़ा है तो उसके सामने असत्य भी खड़ा होता है। अगर न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं तो अन्याय का मार्ग अपनाने वाले लोग भी दुनिया के अंदर है। और धर्म के मार्ग पर चलने वाला अगर मानव समाज है तो अधर्म के मार्ग का अवलंबन करने वाले लोग भी है। और इसलिए संघर्ष इस दुनिया में हमेशा प्राचीन काल से होता है। इन दो तत्वों के बीच संघर्ष है, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, देव असुर। पर इतिहास ये बताता है कि हमेशा विजय दैवी शक्तियों की हुई है, सत्य की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है, न्याय की विजय हुई है। कभी कभी दुर्बलता लगती है, परंतु प्राभूत नहीं हुए। और ये सारे सिद्धांत, ये सारा तत्व ज्ञान बहुमत के आधार पर नहीं होता है, सिद्ध बहुमत के आधार पर नहीं किया जा सकता। और इसलिए इस सत्य के पीछे एक समर्थन में एक शक्ति खड़े करने की आवश्यकता है। इस दैवी शक्ति को जागृत होकर खड़े होने की आवश्यकता है। इस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य ये केवल भारत के लिए नहीं, तो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक कार्य, और उसी से विश्व की शांति। एम्बेसिडर्स इन एवरी कंट्री एंड दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट्स, दे आर फॉर 2 years, 3 years, दे आर देयर, बट यू आर द रियल एम्बेसिडर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन कल्चरल, यू आर द कल्चरल एम्बेसिडर्स ऑफ इंडिया देयर। It's not only that I am saying something, I have experienced it. Raviji is here.
Sometimes he has also taken me in somewhere in Thailand and Bangkok when I was there on tour. He took me and we greeted all of you whosoever staying there. Now as a speaker also, when I go to different countries, and when I see people there, Indian people, and the people staying there in that country, whatever they say about Indian society, and when they say something good, that yes, Indian society is helping the development of our country, when they say something like that, we love Indian culture, they say something like that, then that's why I'm saying that you are the cultural ambassador of India. India will be known from you when you live there. You go there. And whatever it may be, you know one thing is there always. Keep it in mind. I always say something like that. India, our culture is like that. We never in history, we try to conquer any country. No. We don't go for conquering something. No. We don't want that. We don't want to spread our region there. But yes, whenever Indian family, Indian vyapari, traders or engineers or whosoever goes to some foreign country, some other country, they definitely help there for education, for development and so on. So that is real our culture. Now you know the whole global, we can say global family, always we think about a global family. The whole globe, the world people, they are thinking about environment, climate change, global warming, all these things are there. And now they are thinking, in Paris, you must be knowing all of you, more than 100 countries who have sun, जहाँ सूरज अच्छी तरीके से उगता है, अच्छी तरीके से 6 महीने तक 8 महीने तक प्रकाश देता है, ऐसी मोर देन 100 कंट्रीज और वो एकत्रित आ गई है. दे हैव कम टुगेदर, दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल थिंक अबाउट इट कि ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी सा सोलर पावर का, हाउ टू यूज सोलर पावर. You know, our Janak Palta knows it more here. She is trying for that here. And she is doing very well. But there in Paris, now it has decided more than 100 countries. Because of climate change, now we are thinking about that how to balance the things. Pehle to balance sabne bigaad diya. Main sabne, and whenever I go to some this type of social gatherings there in foreign countries, I always say, it is only the Indian culture, Indian way of life, where our forefathers had taught us to love all these natural things, love them, adore them, puja karo. It may be tree, vruksha ki puja karo. पक्षियों को दाना. यू आर इन हियर इन अहिल्याबाई स्टेट. इट इज सेड अहिल्याबाई होलकर, शी वॉज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. बट हाउ शी वॉज ए गुड, नो डाउट शी हैड कई सारे घाट बनवाए, मंदिर बनवाए, दैट इज समथिंग. यस, शी वॉज ए रिलीजियस लेडी, बट शी वॉज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. एंड यू नो इन हर रीजन यू विल फाइंड शी यूज टू सी that everybody means not the human being, but every kind, birds, fishes, everybody should get whatever they need for their livelihood. And इसलिए खेत के खेत छोड़े जाते थे पक्षियों के लिए. That is our Indian culture. पक्षियों को दाना खिलाना.